राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। वहीं से ब्रज की सेवा का कुछ विचार आया कि हम खाली रोटी न खावें, कुछ ब्रजवासियों की सेवा भी करें। नहीं तो कुत्ते भी से भी ज्यादा नीच हैं और रसकों ने अपने को पिल्ला बताया है। हम ब्रजवासियों के पिल्ला हैं। तो इसलिए हम कीर्तन करते थे और उसका एक प्रभाव पड़ा था, हर घर में कीर्तन होने लग गया था। वो क्यों बंद हुआ ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि निंदा होती है। वो आदत हमारी बनी रही, यहाँ 60 साल से ज़्यादा हो गए, 62 साल। जितने यहाँ संत आते थे हम कहते थे भाई रहते तो हो मान मंदिर में, लेकिन कुछ भिक्षा मांगते समय कीर्तन करो, जिससे कि हमारा जो भ्रम है वो दूर हो जाए। भ्रम ये है कि बिना सेवा के हम भक्त नहीं हैं। जो सेवक नहीं सेवा नहीं करता है वो भक्त नहीं है। तो अभी तक जितने यहाँ रहे संत, हमारे यहाँ ही के संतों ने सहयोग नहीं किया। वो लोग समझते थे कि ये शासन कर रहे हैं। शासन की बात नहीं थी, सेवा की बात थी। हम ब्रज में आए हैं ब्रज की सेवा करें। खाली रोटी खा करके पड़े रहें या अपना कुछ नियम कर लिया, माला कर लिया, पाठ कर लिया, तो समाज की सेवा नहीं भई, ब्रज की सेवा नहीं भई। और हमारे मंदिर में ही जब विरोध था, रहने वाले जितने संत थे वो सहयोग नहीं करते थे, तो बाहर वाले क्यों करेंगे? बाहर वालों का तो विरोध रहा ही रहा। लेकिन हमारे मान मंदिर में ही जो लोग रहे वो सहयोग नहीं करते थे। जाने कई कारण हैं, या तो संकोच या लज्जा या शर्म या आलस, कुछ भी समझो, अनेक कारण हो सकते हैं। जो रस मंडप में कीर्तन हुआ हमने तो देखा नहीं, क्यों, हम तो वहीं हॉल में थे, इन्होंने बाहर से देखा। माधवी शरण ने तो बताया कि हॉल के भीतर भी कीर्तन हो रहा था, बाहर भी हो रहा था, चारों तरफ कीर्तन हो रहा था। हॉल में स्टेज के ऊपर भी हो रहा था, स्टेज के सामने भी हो रहा था। जितने संत थे सब कीर्तन कर रहे थे। तो इस बात को सुन करके हम बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर
हम हरि नाम से बढ़ के सेवा कुछ नहीं है इस संसार में, हरि नाम से बड़ा दान कुछ नहीं है। भगवत चरित्र से बड़ा दान कुछ नहीं है। गोपियों ने कहा भूरिदा अजना, सबसे बड़े दाता वही हैं जो कृष्ण कथा का दान करते हैं। गोपी गीत में नौवां श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूय गणंतते भूरिदा जना। सबसे बड़े दाता वही हैं। तो ब्रज की सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम पैसा दें भोजन दें तो छोटी चीजें हैं। लोग यहाँ आते हैं भंडारा करते हैं दक्षिणा देते हैं, उससे बड़ा है कृष्ण चरित का दान, कृष्ण नाम का दान। तो कल हम इसलिए भी प्रसन्न हुए कि संत लोग भी सहयोग कर रहे थे, जो बच्चे नाच रहे थे, यहाँ तक कि ये राधाकांत भी नाच रहे थे बच्चों में, तो हमने समझ लिया कि ये सच्चे अध्यापक हैं। गुरु कौन है? इस प्रश्न का उत्तर 29वें अध्याय में चौथे स्कंद में 4:29-51 जो ये सिखाता है कि भगवान ही प्रियतम है, सवई प्रियतमश्चात्मा, आत्मा भगवान है। यही गोपियों ने कहा था कि प्रेष्ठो भवान स्तनभृताम किल बंधुरात्मा। सारे उपदेश का लक्ष्य तो तुम ही हो, क्योंकि संसार में प्रेष्ठ कोई नहीं है और आत्मा कोई नहीं है। प्रीता जितनी है क्षणिक होती है जीवों की, प्रेष्ठ भगवान ही है, आत्मा भगवान है। कोई जीव स्त्री पुरुष ब्याह करते हैं, ये आत्मा नहीं हो सकते एक दूसरे की। आत्मा तो भगवान ही है, ये बात गोपियों ने भी कहा, सुखदेव जी ने भी कहा कि 33वें अध्याय में छत्तीसवां श्लोक है, गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम एव देहिनाम योऽन्तश्चरतिसोऽध्यक्ष क्रीडनेने देहभाग। भगवान ही गोपियों के पति हैं, अनंत शरीरधारियों के पति हैं, गोपियों के पति के भी पति हैं। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम एव देहिनाम, जो भीतर विराजमान है अध्यक्ष सबका, वही पति है। तो इसलिए गुरु कौन है? जो सिखाता है कि प्रीतम भगवान ही है, आत्मा भगवान ही है, इसमें कोई भय नहीं है। इति वेद सवई विद्वान, जो ऐसा जानता है वही विद्वान है,
बाकी पढ़ने वाला विद्वान नहीं है। जो विद्वान है वही गुरु है, वही भगवान है साक्षात। जो ऐसा सिखाता है वही गुरु है। तो ये जब आज का जो गुरु है वो स्वयं लज्जा करता है, संकोच करता है, शर्माता है, कीर्तन नहीं कर सकता, नृत्य नहीं कर सकता, सबके सामने अपनी अस्मिता में बैठा रहता है, तो वो गुरु नहीं है। गुरु तो वही है जैसे चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं नाचते थे, दूसरों को नचाते थे। एक भक्तमाली जी पद गाते थे कि पागलेर दले नाम इजलियो रे भाई, पागलों के पास नहीं जाना, एक तो पागल भोला बाबा शंकर जो कृष्ण प्रेम में नंगे रहते हैं, एक तो पागा नदिया गा में हरि बोलो रे भाई, सबको कृष्ण नाम पर नचाता था वो पागल है। ऐसे बड़ा सुंदर पद है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गुरुओं का गुरु माना गया। उन्होंने कृष्ण प्रेम सिखाया, कृष्ण प्रेम में नाचना सिखाया, और ऐसा नाचते थे कि जगन्नाथ जी के रथ भी रुक जाता था, भगवान भी उनके नृत्य को देखते थे। तो जब ये बच्चों के बीच में ये नाच रहे थे राधाकांत, तो हमने समझ लिया कि ये सच्चे अध्यापक हैं। बाकी जो कृष्ण प्रेम नहीं सिखाता है वो अध्यापक व अध्यापक क्या है, गुरु फुरु कुछ नहीं है। और कहने में बुरा लगता है, संत वंत कुछ नहीं है। जो भगवान नाम में लज्जा करता है, क्योंकि भागवत ही कहती है, एवं प्रतः स्वप्रीनाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसत्यथो रोदित रोदिति रौति गायति उन्माद वन्द्रत्यति, पागल की तरह नाचो। लोक बाह्य संसार की समस्त मर्यादाओं को तोड़ दो, और जो लोक बाह्य नहीं है, संसार में बंधा हुआ है, वो भक्त भक्त कहाँ है। यद्यप पहले जब लड़कियों का नृत्य शुरू हुआ था तो विरोध हुआ था, लेकिन हम तो भाई निर्लज्ज हैं, हम यही कहेंगे। चलता रहा चलता रहा, और आज जाने कितनी लड़कियां एक साथ नृत्य करती हैं, और चारों ओर नृत्य हो रहा था कल मंच के ऊपर, मंच के सामने, हॉल के चारों ओर हमने सुना संत लोग नृत्य कर रहे थे, परिक्रमा भी कर रहे थे। तो वो जो हमारा संकल्प था हम तो पूरा नहीं कर पाए, श्री जी ने पूरा कर दिया। जैसा उसका नाम है रस मंडप, वो कुछ दिन पहले सोचा था बेकार बना, क्योंकि वहाँ कीर्तन नहीं होता था, यहीं होता था रसकुंज में। अब तो ऐसा लगता है वो हाल भी छोटा पड़ जाएगा कुछ दिनों में। तो भाव यह है कि
ऐसे ही अध्यापक और आ जाएं दो चार छः तो स्कूल बन जाए बढ़िया, हर लड़का भक्त बन जाएगा। जो अध्यापक कीर्तन में नाच नहीं सकता है बच्चों के साथ, वो क्या भक्ति सिखाएगा। रस मंडप बनना सफल हो गया और संत लोग भी यहाँ के बड़ा सहयोग दे रहे हैं और इतनी सुंदर व्यवस्था कल बनी। चाहे ढोंग है, हम तो कहते हैं ढोंग ही है क्योंकि हमारे में प्रेम नहीं है, लेकिन ढोंग पर भी भगवान रीझ जाता है। भाव कुभाव अनखा लसहूं नाम जपत मंगल रीझ, निलजता पेरी ही रघुवर देहु तुलसी छोरी। निर्लज्जता से भी अगर नाम लिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाता है, कुभाव से भी लिया जाए तो भी भगवान प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हम 62 वर्ष के बाद ये सफलता श्री जी ने दिया है। हर व्यक्ति नाच रहा है। भाई मेरा जीवन ही ढोंग में गया है। हम जब यहाँ नृत्य शुरू किया था मानगढ़ में तो पुलिस में रिपोर्ट भई और पर्चा छापे गए, बहुत से इल्ज़ाम थे, जाने कितने 4 पेज का वो पर्चा था, हमने रखा नहीं, रिकॉर्ड करना था लेकिन क्या करें, उसमें 50 इल्ज़ाम लगाए गए थे, चोरी के, दुराचार के, खूंटैलपन के। खूंट माने चोरी के माल जो रख लेता है उसको खूंटैल कहते हैं। ऐसे बहुत से आरोप थे और वो बांटे गए मान बरसाने में, और उसको बांटने के बाद यहाँ हमसे कहा इन्होंने, प्रकाश ने, कि हम बाजार नहीं जा सकते, उसमें इतनी गंदी बातें लिखी हुई हैं। हमने कहा ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ब्रजवासी हो, तुम्हारी इज्जत है, हमारी इज्जत कुछ नहीं है। हम तो भगवान की दया से जब घर से निकले हैं तो उसी दिन से अब इज्जत फिज्जत का झगड़ा छोड़ के निकले। और उसके ठीक 15 दिन बाद मौनी बाबा की सप्ताह थी यहाँ, उस सप्ताह हमने ही कही थी, पहली सप्ताह थी और हमारी शायद आखिरी सप्ताह थी, उसके बाद नहीं कहा हमने कुछ। तो उसमें नगर कीर्तन निकाला था हमने जानबूझ करके, और क्योंकि हमारे यहाँ जो कीर्तन में आते थे ब्रजवासी, उसमें नाम ले लेके उनकी निंदा थी तो बेचारे शर्माते थे, गांव वाले हंसते थे, सखी शरण झोली मांगते थे 4-5 गांव में, क्योंकि बच्चों को रोटी देना बंद कर दिया था लोगों ने, जो मानगढ़ जाता है उसको रोटी नहीं मिलेगी। 50 बच्चे थे यहाँ, वो अकेले बरसाना, चिकसोली, मानपुर भिक्षा मांगते थे और रोटियों का गट्ठर लाते थे, और जिसको रोटी नहीं है खा लो, मानगढ़ मत छोड़ो। बड़ी बड़ी समस्याएं आई सामने, इतिहास इसका बड़ा लंबा है।
इस तरह से यहां कीर्तन चला। लेकिन चलता रहा, हमने कहा हम जाएंगे बाजार में। बाजार में हम गए, नाचते निकले, सब लोग देख रहे थे कि कैसे आ गए, इनकी तो बड़ी बुराई निकली है। 50 आरोप थे, जितने भी हो सकते हैं, मुकदमाबाजी, लड़ाई झगड़ा कराना, समाज में विरोध कराना, दुराचार, जाने कितने तरह के दुराचार होते हैं, वो सब लिखे थे उसमें, लड़कियों की, लड़कों की, और रोटी मंगा, मतलब पर्चा नहीं है, नहीं दिखाते तो पढ़ने में बड़ा एक मनोरंजन होता है। खूटेल, चोरी का सामान रख के रखने वाला, ये सब थे उसमें। सहस्र नाम पाठ था पूरा, तो कोई नहीं सोचता था कि हम बाजार में निकलेंगे। बाजार में निकले और नृत्य करते निकले, ताकि ये संकोच न करें ब्रजवासी लोग। और उस दिन से ब्रजवासी जाने लग गए, हमारे यहाँ जो कीर्तन में आते थे सबको लेके गए थे। सबसे पहले जो अगुआ हिम्मत करता है तो पीछे वाले हिम्मत करते हैं। जो अगुआ ही चुप बैठाएगा, डरेगा समाज से, तो पीछे वाले बेचारे क्या करेंगे। इसीलिए कल हम बहुत प्रसन्न भए, ये लोग नाच रहे थे बच्चों के साथ, तो हम समझ गए कि ये सच्चे अध्यापक हैं। यतो न भय मानवपी, गुरु वही है जो सिखाता है शिष्य को। 4:29-51, अणु मत मात्र भी भय मत करो। अणु मात्र, सबसे छोटा होता है अणु, जरा भी अगर भर कर लिया, भय कर लिया, तो भक्ति भक्ति नहीं मिलेगी। कोई क्या कहता है, क्या सोचेगा। एक और विचित्र घटना घटी, ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान सहायता अवश्य करता है, ये गलत रास्ता नहीं है। भगवान ने सहायता किया, कृपा किया, आज ऐसा समाज है मानगढ़ में जो डरता नहीं है, और कीर्तन करते करते भिक्षा मांगते हैं संत लोग, और नृत्य करते हैं। कल एक घटना घटी, कुछ दिन पहले यहाँ मदयंती आई थी, और उन्होंने कहा था हमारे गुरुदेव शचीनंदन बाबा जर्मनी के हैं, उनका वो है बर्थडे, जन्मदिवस, तो उसको आप कुछ कह दीजिए वो शब्द। तो हमने कह दिया कि ये पाश्चात्य जगत में ये कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं। तो वो उन्होंने ले जा करके टेप वहाँ सुनाया सबको, उस सभा में जहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने उठ करके उसका सम्मान किया, वाह वाह। ये उन्होंने फेसबुक पर डाल दिया, मदयंती ने, और फेसबुक पर डालते मान हल्ला मच गया। किसी ने पूछा कि हु इज रमेश बाबा, मतलब हम इस्कॉन के नहीं हैं। एक इस्कॉन का व्यक्ति इस्कॉन के बाहर वाले का सम्मान कर रहा है, ये पसंद नहीं आया लोगों को, क्योंकि हम वैष्णव नहीं, साधु नहीं, एंड हु इज गुरु ऑफ रमेश बाबा। तो उसने फेसबुक पर प्रश्न पूछा, वो बेचारी घबरा गई मदयंती कि अब क्या होगा, ये लोग निकाल देते हैं जीबीसी वाले, कई बार ऐसा हुआ कि निकाल चुके हैं बहुतों को। तो
रात को हमको ब्रजराज ने बताया कि ऐसी समस्या आ गई है। हमने कहा भाई उसने काम तो गलत किया, हमारा नाम देना नहीं चाहिए, हम तो कोई महात्मा नहीं, साधु नहीं, वैष्णव नहीं, भक्त नहीं, लेकिन चलो भगवान जो करता है। फिर उसका उत्तर किसी ने दिया, कोई व्यक्ति हैं वहाँ के पता नहीं, उन्होंने कहा कि ये वही हैं जो फाइट कर रहे हैं, ये वही हैं जो यमुना यात्रा फाइट कर रहे हैं, ये वही हैं जो इन्होंने 25,000 गायों को बचाया। ऐसे उन्होंने एक बड़ा ठोस उत्तर दिया, और ये वही हैं जिनके पास राधानाथ महाराज आते जाते हैं। तो बेचारी चुप हो गई मदयंती, उसको तसल्ली मिली कि अब हमारे ऊपर केस नहीं लगेगा, नहीं तो संप्रदाय से निकाल दिया जाता। तो भगवान सहायता देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, भगवान है। हम लोग समाज से क्यों डरते हैं समझ में नहीं आता, क्या ये समाज भगवान है? भक्त तो इतना साहसी होना चाहिए कि हिरण्यकश्यप भी आश्चर्य कर रहा है, बोले ऐसा आश्चर्य मैंने पहली बार देखा। क्रुद्धस्य 7वें स्कंद में 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है, संख्या पता नहीं, 7-8 हैं, 7-8-7। मैं जब क्रोध करता हूं तो ईश्वर ब्रह्मा शंकर आदि भी भय करते हैं, विष्णु तक भय करते हैं। ये स्वयं वामन भगवान ने कहा है कि तुम जब गए थे तो वैकुंठ में छिप गए विष्णु भगवान। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः, तीनों लोक कांपता है और उसके ईश्वर कांपते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। ऐसे मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, अभी निर्भीक खड़ा है, अभी तो बद मूढ़ मूर्ख, शासनम किम्बलोत्यगा, मेरा शासन छोड़ दिया, मैंने शासन में आज्ञा निकाल दिया है कोई कीर्तन नहीं करेगा, और तूने विद्यालय में जाकर के कीर्तन कराया, कुछ बल तो जरूर है तेरे पास। किम बला, क्या बल है तेरे पास? कुछ बल अवश्य है जिसके साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर डरते हैं, जिसके सामने, उसके सामने खड़ा होकर के उसका शासन छोड़ दिया। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि बल तो एक ही है, उसी को भगवान कहते हैं, सवई बलम बलिनाम चापरेशाम। आपने क्या तीनों लोग जीता है? परे बरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मा दयो ने वशम प्रणीता, ब्रह्मा विष्णु शिव जिसके अधीन हैं, बल तो उसका है, आप तो बड़े कमजोर हैं, आपके पास 6 डाकू हैं वो लूट रहे हैं। दस्युन पुरा शरण अभिजित्य लुम्पते मन्ने ते के जिता दिशो दश। ये प्रहलाद ने उत्तर दिया कि 6 डाकू लूट रहे हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मोह, और अपने आप को वीर समझते हैं। आप कहते हैं हमने दुनिया जीत लिया, और आप जैसा कमजोर आदमी कोई नहीं है। 6 डाकू जिसके पीछे दिन रात लूट रहे हैं, मन्यन्ते के जितात्मनो दस्युन पुरा शरण विजित्य लुम्पतो, हर समय लूट रहे हैं डाकू, लुम्पतो क्षत्रिय प्रत्यय है, 24 घंटे लूट रहे हैं आपको,
वर्तमान काल की क्रिया ने हमेशा कंटिन्यूअस आपको लूटा जा रहा है और आप विश्व विजयी कैसे हो जाएंगे? विश्व विजयी तो वो हो सकता है जितात्मनो गस्य समस्य देहि नाम, जो समदर्शी है। कुतः परे, मेरापन तेरापन नहीं है जिसके अंदर, भेदभाव नहीं है। जितात्मनो गस्य समस्य देहि नाम आगे क्या है? साधो समोह प्रभुवा, ये मोह के कारण ये पराया है, मैं है, भेद दृष्टि। आप जैसा कमजोर आदमी तीनों लोक में कोई नहीं है, जिसको हर समय लूटा जा रहा है। तब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं ही इसको मारूंगा, क्योंकि आग से जलता नहीं, समुद्र में डूबता नहीं, पहाड़ से पीसने में आता नहीं है, कालकूट से मरता नहीं है। तब वो गया है प्रहलाद को मारने, बोले कहाँ है भगवान तेरा? यस त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, कौन है जगदीश्वर? कस्मा स्तंभे न यदि ऐसा सर्वत्र, यानी प्रहलाद बोले सर्वत्र है, हां इस खंभे में, बोले हां खंभे में है। तो भगवान रक्षा करता है। अभी हमने विचार किया था एक लेख और देने का, आज का रसिक कहां जा रहा है, ये उसकी पहली लाइन, और एक विस्तृत समाज की दशा देने का। हम लोग सांप्रदायिक द्वेष में मर रहे हैं, भेद बुद्धि में मर रहे हैं, ये गौड़िया है, बंगाली है, निम्बार्की है, और एक दूसरे से चिढ़ते हैं, क्या इसी का नाम भक्ति है? क्या इसी का नाम रस है? लेकिन ये लेख बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए इसको दूसरे खंड में देंगे, क्योंकि विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, कि प्रहलाद सुप्रभावोसी, प्रहलाद तेरे अंदर ऐसा प्रभाव है। भाई लोहा तो मरना पड़ा, कालकूट से मर नहीं रहा है, आग जला नहीं रही है, समुद्र डुबा नहीं रहा है, तो हिरण्यकश्यप बोला प्रहलाद सुप्रभावोसी किम ये तत्ते विचेष्टितम, क्या तैने कुछ किया है? एतन मंत्रादि जनितम, क्या कोई मंत्र जपा है? उताहो सहजम तव, तूने कोई तपस्या तो किया नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई तैने जप किया है मंत्र, या सहज में तेरे अंदर कोई ऐसी बात है। तो प्रहलाद कहते हैं कि मेरे अंदर न मंत्रादि कृतम तात, न च नैसर्गिकम मम, न हमने कोई मंत्र जपा है, यहां के भागवत का नहीं, विष्णु पुराण का है, न हमारे में कुछ निजी ताकत है। प्रभाव एष सामान्यो, हर आदमी में ये ताकत आ सकती है। यस यस्याच्युतो हरि, अगर तुमने सब कुछ भगवान को मान लिया,
तो वही ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी जो हमारे में है। ये बात प्रहलाद ने भी कहा है, भागवत में भी कहा है कि श्रद्धा यदि है तो स्त्री बालाम चमे यथा, एक स्त्री में भी इतनी ताकत आ सकती है। क्या संख्या है जोर से बोलो। हाँ, 7 स्कंद 7 अध्याय 17 भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः, केवल श्रद्धा कर लो। वैशारदी धी बुद्धि स्त्री बालाम चमे यथा, एक स्त्री जो नारकी योनि की मानी गई है, भगवान ने स्वयं कहा है स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियाति पराम गतिम, स्त्री नारकी योनि मानी गई है, एक नारकी योनि में भी ये ताकत आ जाएगी। क्या मीरा में नहीं आई? जहर दिया गया नहीं मरी? लेकिन उस मीरा के खिलाफ सांप्रदायिक लोगों ने बड़ी बड़ी आवाजें उठाई हैं, बड़ी बड़ी कथाएं रची हैं। इन सब का उत्तर देना हम चाहते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हमारा नाम होगा, समाज का विनाश हो रहा है। हम लेक्चर देते हैं नाम अपराध, भेद बुद्धि वैष्णव में करते हैं, क्या नाम अपराध नहीं है? क्या यह भक्तापराध नहीं है? हर गुरु यही सिखा रहा है अपने शिष्यों को, सांप्रदायिक भेद, क्या यह भक्तापराध नहीं है? नाम अपराध नहीं है? इस समाज का नुकसान हो रहा है। इसलिए फिर आगे कहते हैं विष्णु पुराण में प्रहलाद जी, एक बड़ी सुंदर बात, तुम मुझको मार नहीं सकते हो, न जला सकते हो। अन्येषां यो न पापानि चिन्त्याम् आत्मनो यथा, मैं किसी के पाप माने दोषों को, किसी की कमियों को, किसी की निंदा को न कहता हूं, न सोचता हूं, न करता हूं। इसलिए तस्य पापागमः तात्र हेत्वभावान् न विद्यते। जब बीज ही नहीं है पेड़ कहां से हो जाएगा? पाप का कारण है परनिंदा, परदोष दर्शन, आलोचना, परनिंदा सम अघन गिरीसा, तो हेतु भावान न विद्यते, हेतु नहीं होने से कुछ नहीं होगा। यही हम सब लड़कियों से कहते हैं, तुम लोगों में अगर आपसी द्वेष न रहे तो रस बढ़ेगा और भगवान आएगा नाचेगा। और रस बढ़ रहा है। कल हमने जो सुना, जैसा लोगों ने बताया कि चारों ओर रस बह रहा था, सभी नृत्य कर रहे थे, ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। ये क्यों हुआ ऐसा? पहले हमारे यहां बहुत द्वेष था,
संत संत आपस में चिढ़ते थे, लड़कियां लड़कियां चढ़ती थीं, एक दूसरे की बुराई करती थीं, और उसका शिकार होता था राधाकांत। और ये प्रहलाद जी ने कहा, सोहम न पापम इच्छामि न करोमि वदामि च। मैं इच्छा भी नहीं करता हूं, पाप माने दूसरे की कमी कमजोरी निंदा न करता हूं न वदामि न बोलता हूं। इन्हें मन से सोचना भी, वाणी से कहना और क्रिया से करना। सोहम न पापम इच्छामि न करोमि वदामि च। इच्छा भी करने के उसको नुकसान हो जाए, ये भी गलत है। न वदामि, कुछ बोलना, किसी की कमी कहना, देखो वो ऐसा है, उससे अपना नुकसान हो गया। न कहता हूं न करता हूं न सोचता हूं। अब आज सारा समाज क्या हो गया है, किसी संत ने, मान लो हम वैष्णव नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, लेकिन ब्रज में रह रहे हैं, उसने हमारा स्वागत किया तो उसके खिलाफ तुरंत आवाज उठा दिया लोगों ने, हु इज रमेश बाबा। ये समाज क्या सीख रहा है, हम लोग क्या सिखा रहे हैं? भेद बुद्धि, कमियां, निंदा, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं, क्या वैष्णव तेज आ जाएगा हम लोगों में? आज भारतवर्ष का नाश क्यों हो रहा है? हम लोग कर रहे हैं नाश, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, भेद बुद्धि, और लेक्चर देते हैं भेद बुद्धि करने वाले को नामा अपराध लगता है, रोज बोर्ड पर लिखा जाता है और लेक्चर होता है। प्रैक्टिकल कुछ और है समाज, इसीलिए हमने सोचा इस लेख को, ये लेख एटम बम है, इस खंड में ना दे करके दूसरे खंड में देंगे, उसका विरोध अवश्य होगा, हमें पता है। ऐसी सी कथाएं हैं लोगों ने बना रखी है, ये पीछे वालों ने बनाई है, आगे वालों नहीं। ये क्यों बनाई गई है ये कथाएं? जैसे उदाहरण दे दें, चैतन्य चरितामृत, उस ग्रंथ में मेरी भी शिक्षा है और गौड़ियों का जीवन है, लेकिन उसमें एक अध्याय ऐसा है जो हम नहीं समझ पाते। उसमें लिखा है वल्लभाचार्य जी गए थे जगन्नाथपुरी और अपनी टीका ले गए थे दिखाने, तो वहां सब ने तिरस्कार किया, और बहुत लंबी कथा है, वो सारा का सारा अध्याय हमारे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? यदि महाप्रभु चैतन्य देव की इतनी चिढ़ थी तो वल्लभाचार्य जी के निमंत्रण पर अरेल में क्यों गए?
वल्लभाचार्य जी ने उनका स्वागत किया है और महाप्रभु महाप्रभु से मिले हैं। तो इसलिए ये चैप्टर पूरा हमको समझ में नहीं आता चैतन्य चरितामृत का। और दूसरा उदाहरण बल्लभ कुल के ले लो। बल्लभ कुल में कथा है कि कृष्णदास अधिकारी को मीरा ने बुलाया, इसे मीरा का बड़प्पन लगता है, वैष्णव समझ के बुलाया। तो वो गए वहां पर, मीरा ने कुछ दक्षिणा दिया तो छोड़ के चले गए। इस राण का मैं कुछ नहीं लूंगा, ये शब्द है वहां पर। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। और भी कुछ घटनाएं हैं। वृंदावन में बड़ी बड़ी कथाएं हैं रसिकता की। केवल निकुंज लीला गाओ, प्रिया प्रीतम बैठे हैं शैया पर और मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं, आलिंगन हो रहा है, चुंबन हो रहा है, गाते चले जाओ और कुछ लीलाएं नहीं गाओ। ये बात भी हमारी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारा समझो दिमाग खराब हो गया क्या छे। गोपियां जब कृष्ण को ढूंढी चले हैं तो कस्याश्चित पूतनायंत्या कृष्णायंत्यपि वत्सनम, कोई पूतना बन गई। दशम स्कंद के 30वें अध्याय में भगवत लीलाओं का अनुकरण किया 15वें श्लोक से 22 तक लगातार जितने असुर हुए हैं सब लीला गोपियों ने किया है। कोई पूतना बन गई, कोई दूध पीने लग गई, कोई तृणावर्त बन गई, बच्चे को उठा के ले गया आकाश में। दैत्यायित्वा जहारण्याम एका कृष्णार्व भावनाम, एक कृष्ण बन गई, एक दैत्य तृणावर्त बन गई। एक ग्वाल बन गई, गैया चराने लग गई, एक बंशी बजाने लग गई। और तो गौर गिरिराज लीला करने लग गई। मां भईष्ट बात वर्षाभ्याम गिरिराज लीला। और आज का रसिक कहता है कि इन सब लीलाओं को नहीं गाओ। और तो और काली नाग बन गई, आरुही 21वां श्लोक, आरुही एका पदाक्रम में शिरस्या परा नृपम, दुष्ट आहे गच्छ जातो हम खला नाम खलु दंड भृत, अरे दुष्ट सर्प तू चला जा, मैंने तेरे लिए अवतार लिया है। एक दाबानल बन गई, तत्रैको वाचे गोपा दावाग्निम पश्यतोल्बणम। और आज का रसिक कहता है नहीं, दाबानल वगैरह कुछ नहीं है, निकुंज में कहाँ दाबानल है, निकुंज में कालिया नाग कहाँ है, ये सब रस के विरुद्ध है। बाल लीला का खंडन करते हैं। एक गोपी बद्धान्या सृजात का चित तन्वी तत्र उलूकले, यशोदा बन गई और उखल से बांधने लग गई कृष्ण को। एक भीता शूद्र डर गई, मैया सांटी मारेगी। ये सब बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं। उद्धव को सारा संसार मानता है,
रसिक थे, गोपियों ने दीक्षा दिया रस की, और वो उद्धव कहते हैं तीसरे स्कंद के शायद तीसरे अध्याय में दूसरे अध्याय में, मन्ये सुरान भागवतान श्रधीशे, क्या संख्या है? अच्छा 2 का 24, स्कंद तीसरा है ना, अध्याय 2। मैं तो असुरों को भी पर भागवत समझता हूं, जो युद्ध में लड़ने आए, भगवान का दर्शन किया। तो क्या उद्धव जी रसिक नहीं थे, जिनको श्री राधा रानी ने स्वयं रस का ज्ञान कराया है पुराणों में, जो साक्षात राधा रानी जिनको रस का ज्ञान करा रही हैं, उनको रसिक नहीं माना जाए और तुमको मान लिया जाए? ये हमारी समझ में बात नहीं आती। साक्षात श्री जी जिनको ज्ञान दे रही हैं, उनको रसिक न मान करके हम तुमको रसिक मान लें और राग द्वेष में पड़े रहें, सांप्रदायिक भेदों में पड़े रहें, विवाद में पड़े रहें, और इसको आचार निष्ठा कहें, यानी कितनी बातें हैं समाज में फैल रही है और उसको हम लोग सिखा रहे हैं गुरु बन करके। ये सब, इसके अलावा और अभी 2 मिनट और शेष हैं। कहते हैं भागवत को हम लोग नहीं मानते, प्रमाण देते हैं अपने आचार्यों का। स्वामी हरदास जी ने स्वयं इस पर भागवत की बात को माना, उन्होंने जो भागवत में जैसे देवता गण फूल बरसा रहे हैं, आकाश से वाद्य बजा रहे हैं, ये सब उनके पदों में मिलता है। तो किस आधार पर तुम कहते हो वो नहीं मानते थे? हम प्रमाण देंगे हर पद का। एक दो कड़ी कहीं ले लेते हैं, मुए न जामे बिछरे, इसका मतलब प्राकृत मरण जन्म नहीं है वहां पर, लेकिन ये नहीं कि भगवान का अवतार नहीं है। गाई है उन लोगों ने, स्वामी हरदास जी ने भी गाया है, दान लीला हमारे हो दान मारे हो इन, चौकी कहाँ बदल परी प्यारे, परकिया लीला गाया है उन्होंने। तुम कैसे कहते हो कि वो नहीं मानते थे भागवत? इसको कोई कहने वाला नहीं है इस संसार में। इसलिए ये सब लोग आचार्य विरोधी हैं, अपने ही आचार के विरोधी हैं और गुरु बने घूम रहे हैं संसार में। स्वयं बिहारी देव जी ने नशा का खंडन किया है, कोई मतमाते भांग के, कोई अफीम, और वहां पर कल एक लड़का यहां बैठा था नंदगांव का, उसको भांग पिला दिया, उसका दिमाग चढ़ गया भांग, अब तक पागल है। हम ऐसे लोगों को रसिक कैसे मान लें? यानी कितनी बातें हैं, तुम स्वयं आचार्य द्रोही हो, तुम केवल इस
भ्रम में हो, हम रसिक हैं, अपने को ऐलान कर दिया है तुमने, कुछ दो चार पद वद गा करके, तो समस्या बड़ी भारी है। इसका इस पुस्तक में लेख नहीं छपेगा, छपेगा अवश्य दूसरे खंड में छपेगा। क्योंकि चारों ओर कुरीतियां फैल गई हैं, सांप्रदायिक भेद में इतना ज्यादा लोग घुस गए हैं। भगवान है, भगवान रक्षा करता है, लेकिन कब करता है? जब हम लोग नामापराध न करें, भक्तापराध न करें। इतना सशक्त हमारा शरणागति का मार्ग है, और आज सारा संसार हिंदू कमजोर हो गया है, देश कमजोर हो गया, ये हम लोगों ने किया है। तामस धर्म कर ही नरव, जप व्रत मख और दान, देव न बरसे धरणी बये न बजा में जाम। संसार में ये व्यवस्था क्यों बिगड़ गई है समाज की? हम लोगों ने धर्म को तामस कर दिया, दान को तामस कर दिया, व्रत को तामस कर दिया, और गुरु बने घूम रहे हैं, रसिक बने घूम रहे हैं, महात्मा बने घूम रहे हैं। खैर, उससे मतलब नहीं, भगवान कृपा कर रहा है। और कल जो रात को कीर्तन हुआ, उससे हमको आशा लग गई है कि हम सही रास्ते पर हैं, प्रभु हमको मदद कर रहा है। और रात की जो घटना भई, फेसबुक पर हमारे खिलाफ लोगों ने आलोचना किए, हुई रमेश बाबा, उसका चर्चा कैसे आया हमारे यहाँ? तो अपने आप लोग उत्तर दे रहे हैं, अपने आप प्रभु सहायता दे रहा है, क्योंकि हमारे मन में द्वेष नहीं है। हम ये जानते हैं, अगर हम द्वेष करेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। वैष्णव तेज आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग गुरु बन करके द्वेष सिखाते हैं। यही बड़ा उपदेश है, परद्रोह न करिए। कहे कमीर कहे मलूक, प्रभु सुवर के भवसागर तरिए। सबसे बड़ा उपदेश यही है कि आपस में द्वेष मत करो, इससे भक्ति नष्ट हो जाती है, तेज नष्ट हो जाता है।